पा रहे हैं विवेकानंद शिला स्मारक, और ये स्मारक बना था 1970 में। विवेकानंद के मानने वालों ने ये इसे बनवाया था यहाँ, और ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में दिसंबर के महीने में 3 दिन के लिए यहाँ पर अपना ध्यान लगाया था, और शायद यही 3 दिन थे जिनका उनके आने वाले जीवन पर, आने वाले समय पर बहुत गहरा असर पड़ा था। ये बहुत शानदार स्मारक है, और जो कन्याकुमारी का जो कस्बा है उससे बिल्कुल सटा हुआ है, पर थोड़ा सा पानी बीच में आता है। आप स्टीमर में बैठते हैं और इस तरफ आते हैं और ये स्मारक तक पहुँचते हैं। ये स्मारक है नया पर बिल्कुल पारंपरिक शैली में बना हुआ, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की बेसिक जो फैसिलिटीज़ पर्यटकों को चाहिए वो बहुत लाजवाब हैं। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो एक बहुत बड़ा स्मारक उनका है, और ये दोनों जो स्मारक हैं वो इस शहर की, इस कस्बे की पहचान है। और थोड़ा सा अगर देखें तो ये है, और ये जहाँ पर स्मारक बना हुआ है ये भी एक छोटा सा टापू है, और सामने आप देख पा रहे हैं और छोटा सा टापू, और यहाँ पर आप सागर का विशाल वक्ष देखें। और अगर आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चांदी को पिघला दिया और वो चांदी पिघल कर तैर रही है सूर्य की किरणों से, सूर्य की धूप से। समंदर का यह पानी ऐसा ही प्रतीत होता है, अंतहीन सागर फैला हुआ है। और एक और चीज़ इस सागर को खूबसूरत बनाती है वो है इसकी तन्हाई। अगर आप देखें समुद्र तट के किनारे आपको बहुत सारे मछुआरे अक्सर मिल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, पर फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। हो सकता है इसकी वजह हवा की अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ रही हो, पर फिलहाल सूर्य है और समुद्र है और बीच का ये नज़ारा है। तो फिलहाल आज